आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बोला गया कि वार्न आकलन विधि का क्या उपयोग है, ये हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका उपयोग बताना है कि इसका उपयोग हम क्यों लाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है वो है वार्न आर्केल विधि के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी विधि है, ठीक है, ये एक तरह से क्या है दोस्तों, ये एक तरह से जो है यह शुद्धिकरण करने की विधि होती है। ठीक है, ये विधि क्या है, शुद्धिकरण करने की विधि होती है, जिसके द्वारा दोस्तों हम क्या करते हैं, धातुओं को शुद्ध अवस्था में हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर दोस्तों कौन कौन सी धातुएं हैं जिसे हम इस विधि के द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं, वो धातुएं होती है हमारी ZR, HF, ठीक है, सिलिका, TI, BE, ये सभी हमारी जो धातु हैं, इन्हें हम वार्न आकलन विधि के द्वारा हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। ये एक तरह से क्या है, शुद्धिकरण की विधि है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर इसका उपयोग पूछा गया है कि इसका उपयोग यहाँ पर किस तरह से उपयोग में लाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस विधि का केवल एक ही उपयोग है, ठीक है, जो कि एक तरह से इसके विशेष गुण को दिखाते हैं। वो क्या है, इस विधि से क्या करते हैं, इस विधि के द्वारा दोस्तों हम धातुओं की अति शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह विधि का उपयोग हम किस लिए करते हैं, यह विधि का उपयोग हम धातुओं को अति शुद्ध रूप में प्राप्त करने हेतु करते हैं। ठीक है, प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहां पर क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर हमारी जो विधि है इसका उपयोग दोस्तों हम क्या करते हैं, अति शुद्ध मतलब कि अत्यंत शुद्ध अवस्था में जो हमें धातु को प्राप्त करना होता है तब हम इस विधि का उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और ये विधि जो है दोस्तों क्या होती है, ये विधि एक तरह से जो है यह महंगी होती है। ठीक है, यह विधि काफी महंगी विधि होती है। इस विधि के द्वारा शुद्धिकरण करना क्या होता है, काफी महंगा होता है। ठीक है, इसलिए इसकी बहुत ही कम मात्रा में उपयोग में लाई जाती है और इस विधि के द्वारा दोस्तों हम अति शुद्ध अवस्था में धातुओं को प्राप्त करते हैं। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।